गोगल मेरे सावरिया के कैसी हालत गोगल मेरे सावरिया के प्यारी में
तेरे लिए मैंने दो दिन देश बनाया समरिया मेरे लिए गोविंद वेश बनाया समरिया मेरे लिए मैंने दो दिन देश बनाया बंधुओं, भगवान की कथा तो पार नहीं है। एक बार एक राजा के राज्य में एक बड़ा चोर था और वो चोरी करता लेकिन कभी पकड़ाया नहीं। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करी और ये चोरी करके जब बाहर निकलने लगा सिपाहियों ने देख लिया। जब एक को थोड़ा कम कर दे भैया। जब सिपाहियों ने देख लिया तो पीछे पीछे पीछा करते हुए सिपाही लोग भाग रहे, आगे आगे चोर भाग रहा है। चोर जंगल की ओर बढ़ता गया, देखा कि सिपाही पीछा करना बंद नहीं कर रहे हैं। तो महाराज जी जैसे एक संत बैठे हुए थे साधना में, वो स्वामी जी के पास जाके कहने लगा, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं चोर हूँ। सत्य वचन भाषण किया, मैं चोर हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। संत बड़े दयालु थे। संत ने कहा कि देखो तुम मेरे सामने बैठ जाओ, मैं माला देता हूँ, ये हाथ में ले लो। तो माला लेकर के संत जो है एक ऊपर से भगवा वस्त्र डाल देते हैं। भगवा वस्त्र डालते ही वो संत के रूप में दिखने लगता है चोर। सिपाही पीछे कर जाते 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 जब सिपाहियों ने देखा कि चोर तो इसी आश्रम में घुसा था, चोर आखिर गया कहाँ? अरे महाराज, आपके यहाँ हमारा एक चोर आया था, सो कहाँ गया? उनका हाँ भाई, चोर तो आया था, ये बैठा है। बोले महाराज आप मजाक करते हैं, हैं? ये मजाक का समय नहीं है, हम कह रहे हैं चोर आया था आपके यहाँ। बोले चोर तो भैया यही है, इसके अलावा कोई चोर हो तो आप देख लीजिए। चोर अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। अरे महाराज तो मेरे को मरवाने के लिए कहते हैं, मेरे को पीटेंगे सिपाही लोग। कुछ समय के बाद सिपाही लोग जब इधर उधर देखा, चोर की प्राप्ति नहीं हुई। तो संत के पास से जब सिपाही चले जाते हैं, संत ने कहा कि भाई तुम अब उठ सकते हो, चोर गए। चोर ने एक लाठी उठाई और संत को मारने के लिए उद्यत हुआ।
संत ने पूछा, क्या बात है भाई, क्या अपराध हुआ मेरे से? बोले, महाराज आपने कहा कि यह चोर बैठा है, आप मेरे को पकड़वाने के लिए कहते थे, रक्षा के लिए कहते थे? उसने कहा, संत ने कहा, अरे भाई तुम मुझे पीट लेना, मार लेना, लेकिन मेरी बात सुनो आप, मैंने आपको जो वचन दिया था वो वचन बचाने का दिया था कि झूठ बोलने का दिया था? आप लोगों को सबको समझ में आ रही है? पीछे शायद समझ में नहीं आ रही, आ रही है? हाँ ठीक है। तो चोर ने कहा कि महाराज आप मुझे डंडा पिटवाने के लिए पुलिस से जो सिपाही आए थे, तो संत ने कहा कि बेटा मैंने तेरे को बचाने का वचन दिया था, ना कि झूठ बोलने का वचन दिया था, तो मैंने तेरी रक्षा करी कि ना करी ये बता, तेरे को सिपाही ने हाथ भी लगाया क्या? बोला सो तो नहीं लगाया, हाथ तो नहीं लगाया। तो बोले बेटा मैंने तेरे को बचाने का वचन दिया था, झूठ बोलने का वचन नहीं दिया था। उसने कहा कि बात संत की सत्य है। बोले प्रभु मेरे से बड़ा अपराध हुआ है, मुझे आप क्षमा कीजिए, आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। संत ने कहा ऐसे दुष्ट को शिष्य बना के क्या करूँगा जो मेरे ही प्राण के ऊपर आ जाती है बात। जब चोर ने जा रही विनंती करी, कहा कि देखो महाराज मैं आपकी शरण आया हूँ और शरणागत की रक्षा तो आपको करनी पड़ेगी, अतः चोर जब चरण में गिर गया तो संत ने कहा कि देखो इस माला के जो मंत्र दिया है इसकी नित्य 21 माला जप करोगे। बोले गुरुदेव ठीक बात है, और दूसरा सत्य का पालन करोगे, कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। बोले मैंने वचन दिया आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। चोर गुरुदेव के आश्रम से निकला, थोड़ी दूर गया और मन में आया अब तो गुरुदेव ने कहा कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य का भाषण करना है, सत्य बोलना है, सत्य प्रिय है, क्या करूं? अच्छा फिर दूसरे समय विचार आया, गुरुदेव ने कहा कि झूठ नहीं बोलना है, गुरुदेव ने ये थोड़ी नहीं कहा कि चोरी नहीं करना, चोरी तो खूब करना है, चलो। पुनः गया राजा के यहाँ, राजा के यहाँ जाकर के उस दिन सबसे बढ़िया वाला जो राजा का घोड़ा था उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े को चुरा करके जब जाने लगे तो सिपाहियों ने देखा कि अरे चोर तो भाग रहा है। सिपाही पीछा करे, जब तक राजा का श्रेष्ठ घोड़ा था इतनी तेज गति से भागता था, कई सैकड़ों किलोमीटर आगे निकल गया राजा का घोड़ा, और सिपाही लोग पीछा करते करते बहुत समय पीछे करना। चोर ने एक वृक्ष से घोड़े को बांध दिया, स्वयं एक पास में नदी थी, वो नदी में स्नान किया और माला लेकर के भजन करने के लिए बैठ गया। जब भजन कर रहा था चोर, जब तक पीछे पीछे सिपाही लोग भी आ गए, उन्होंने देखा कि घोड़ा तो बंधा हुआ है लेकिन चोर दिखाई नहीं देता, चोर कहाँ गया? चलो ये महात्मा बैठे हुए भजन कर रहे हैं, इनकी साधना पूरी हो जाए उसके बाद इनसे ही पूछेंगे भाई घोड़ा किसने बांधा है, कौन आया लेके, क्या करना है। चोर लोग भी साथ में बैठ, वो सिपाही लोग भी चोर के पास बैठ गए। जब साधना से उठा चोर, तो पहले क्षण तो विचार आया कि सिपाही राजा के हैं, कह दूं इनको क्या पता है कि मैं घोड़ा नहीं लाया। लेकिन दूसरे क्षण विचार आया कि मेरे झूठ बोलने से गुरु का अपमान हो जाएगा। आप सब लोग गुरु का अपमान करना चाहते हो कि नहीं? मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आप सब लोग गुरु का अपमान करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्यों? अभी तो सब मैया को स्वामी जी ने मेरे आने के पहले समझाया था कि गुरुजी को उधर नहीं जाना, एक माई तो मेरे एक इंच ही दूर रह गई, फिर मेरे को उठ के भागना पड़ा। मतलब आपने गुरु का वचन का पालन नहीं किया। चोर ने कहा कि गुरु के वचन है सत्य बोलना, मैं सत्य बोलूँगा, नित्य सत्य की निष्ठा करूँगा। हाँ भाई घोड़ा मैं ही लाया हूँ। बोले भैया महात्मा जी आपको ज्ञान है कि नहीं, इसके ऊपर फांसी की सजा हो जाएगी आपको, राजा ने बड़े कंठ कड़ा दंड दिया है। बोले महाराज जो भी कोई बात हो, चलो
बोले आपको राजा के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। बोले चलो गए। सिपाही आगे आगे पीछे चोर चल रहा है, विचार मन में करता जा रहा है राजा के सामने झूठ बोलूं कि नहीं बोलूं। दूसरे क्षण विचार आता है गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा में मेरा झूठ ले लिया है, सत्य ही भाषण मुझे करना है। जब राजदरबार में पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा जो वचन मन में लेकर के राजा ने पूछा कि क्यों भैया ये घोड़ा तुमने चुराया था? बोले हाँ महाराज। और क्या चोरी करी? बोले आपके खजाने में जितना धन था जितनी बार चोरी हुई मैंने ही चोरी करी है। तुम्हें डर नहीं है? मृत्यु दंड है चोरी के ऊपर। बोले महाराज चोरी करी थी, गुरुदेव ने कहा कि कभी झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, सत्य का भाषण करना है। सो सत्य बोल रहा हूँ, आपको मृत्यु दंड दे या फांसी दे या आप जीवन दान दे या आपके ऊपर है। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने सोचा कि ऐसा सत्यवादी हरिश्चंद मेरे को कहाँ मिलेगा। दूसरा गुरुमुखी है, गुरु के प्रति प्रेम करता है, गुरु का आज्ञा का पालन करता है। तो एक काम करो, मेरे कोई संतान नहीं है, ब्राह्मणों को बुलाएं, गुरुजन को बुलाएं, और जो चोर को सिंहासन पर बिठाया और उसका राज अभिषेक कर दिया। और राज अभिषेक करके जब राजा ने कहा कि महाराज अब राजा बन चुके हो, अब आप चोर नहीं रहे हैं, आज्ञा मेरे लिए क्या है? चोर के मन में विचार आया कि गुरु के वचन को मैंने एक दिन पालन किया मात्र और सत्य बोला तो एक पृथ्वी का राजा मेरी शरण में गिर के मुझे राज्य दे देगा, और जीवन पर्यंत यदि मैं सत्य बोलूँगा तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ये गुरु के वचनों का स्वभाव है। मित्रों आप सब लोग जो आए हैं वो गुरु की प्रसाद के लिए आए, गुरु शरण में आए, गुरु की कथा का अमृत पान करने आए। हम लोग जीवन को अपने अंतकरण में प्रेम से उतारे हैं, गुरु के कहे योग्य अयोग्य वचनों को अपने हृदय में फूल की तरह बिठा लें। गुरु जी अगर अयोग्य वचन भी कहें तो उसके वचनों के ऊपर हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, गुरु के प्रति आस्था होनी चाहिए, अगाध प्रेम होना चाहिए। गुरु मुख गुरु चंद्रमा गुरु चरणन चित चोर, अष्ट पहर निरकत रहूं श्री गुरु चरणन की। और आइए दृष्टांत के माध्यम से आपने समझा कि गुरु सेवा क्या है। एक दिन यदि सत्य बोलते हैं तो पृथ्वी का राज मिल सकता है, यदि आप जीवन में सत्य बोलने की आदत डाल देंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बदानु बेड़ो पार थई जासे। आइए माँ नर्मदा की गोद चलते हैं। मदे हर हर 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 मदे हर सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम विशस्त पाप ताप जात कादिवारि सयुतम तांत धूत काल भूत दीतिहारि वर्म दे तदीह पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। ॐ नर्मदे हर 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 नर्मदे हर
संप्रदायकम् अलोमलोग भारहार सर्वतीर्थनायकम् सुमाच काच नाक्रचक चक्रवाक शर्मदे तदीह पाद पंकजम् नमामि देवि नर्मदे नर्मदे हर 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 नीरपुर पाप दूत भूतल समस्त पात काल धारिदापदातनम तगल्लये महाभये प्रकुंड सोनु हर्मदे तदीह पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे नर्मदे हर 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 देव मे भयम् तदम् दुवेक्षिताम् यदा नकुंड सोन सोन का सुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाति जन्म जन्म भवाति दुख हर्मदे तदीह पाद पंकजम् नमामि देवि नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर जय जय नर्मदे हर 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 ओम लक्ष 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 पाप लक्ष सार सायुधम ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम् विरंचि विष्णु शंकर शकीय धामु वर्मदे तदीह पाद पंकजम् नमामि देवि नर्मदे नर्मदे हर 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 चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नौशेबे मंगल मूरति सदगुरु
सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार हे सकल सुपोजन भो परम आनंदमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण पुरतः विराजमान समस्त मुख्य यजमान सहित सुधिजन अध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुजन भगवत चरणानुरागिनी भक्तिमती माता एवं स्नेही बहनों गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे मन श्री राधे भज मन श्री राधे हे भज मन श्री राधे हे भज मन श्री राधे हे भ
भज मन श्री राधे, हे भज मन श्री राधे, हे हाँ भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, हाँ भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, हो भज मन श्री राधे, हो भज मन श्री राधे, हो भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, हे हा भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज हो भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, हो भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, हो भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, हा भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, हो भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, हो भज मन श्री राधे, मन श्री राधे, हो भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, हो भज मन श्री राधे, भोर भये से साझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो, शाल ओढ़ावे वस्त्र चढ़ावे, भोग लगावे जो लागत प्यारो, कब ते निहारत श्री चरणन की, आप भी मेरी ओर निहारो, श्री राधे कृष्ण हमारे घर को, जान वृंदावन धाम पधारो, वृंदावन आन पधारो, जान वृंदावन आन पधारो, भज मन श्री राधे, 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 हो भज मन श्री राधे, वृंदावन बिहारी राम की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गंगा मैया की जय, जय श्री राधे। भगवान की अनुकंपा से हम लोग मायापुरी हरिद्वार के पावन क्षेत्र में गंगा जी के पावन तट पर यह मनोरम और आत्मगम्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आज इस श्रीमद् भागवत ज्ञानमय यज्ञ का छेला दिवस है, यानी अंतिम दिवस है। यहाँ हम सब ने बड़े मनोयोग पूर्वक कथा का लाभ लिया है और कथा के साथ साथ भजन का भी लाभ लिया है।
यहाँ का जो आयोजन है, मन में था कि हरिद्वार में एक आयोजन होना चाहिए, और सच बताऊँ ये विचार हमारा हो रहा था गुजरात में बिलोदरा ग्राम में। बिलोदरा गांव हमारे पूज्य गुरुदेव की पावन धरा है, जहाँ से उनका प्राकट्य हुआ है। उस मिट्टी में मैं 2 महीने तक कल्पवास कर रहा था। तब मेरे मन में ऐसा कि अब हरिद्वार में एक कार्यक्रम हो। उसी दिन कैलाश बहन का आगमन हुआ वहाँ, और आपने वहाँ मंत्र भी लिया, और जाते जाते पीछे से खबर दे गई कि हरिद्वार में कार्यक्रम नक्की करो। तो योगेश भाई, बाद में वीरू भाई, सब आए। तुमने कहा देखो ये भगवान की प्रेरणा है, खरो अनुग्रह नो आधार। भगवान की कथा का लाभ मिलता है, कोई एक निमित्त बनता है, शुभ कार्य के लिए आगे बढ़ता है। जब तक अपना पुण्य साथ में ना हो तब तक लाभ नहीं मिल सकता, दोनों चाहिए। भगवान जिसके माथे पे हाथ रख देते हैं वो आगे बढ़ जाता है। तो कैलाश बहन को निमित्त करके और उनके साथ में सबने सहयोग किया, तभी इतना सुंदर यज्ञ हरिद्वार में निर्विघ्नता पूर्वक समापन की ओर, इस ज्ञानमय यज्ञ की अंतिम आहुति, पूर्ण आहुति की ओर अग्रसर है। इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि आप जो श्रोता बंधु हैं उसको 100% लाभ मिलेगा। पूछो कैसे, क्यों? क्योंकि जो हमारी पुरानी परंपरा थी ना कथा सुनने की, सत्संग की, पुराने समय में लोग अपने घर से खाने पीने का सामान लेकर जाते और कथा सत्संग सुनते और घर आते। और आज कैलाश बहन की प्रेरणा से, इनकी कृपा से आप सबको ये मौका मिला कि आप यहाँ भी आकर के अपना कुछ मानदेय दे करके, और इसको कहते हैं स्वाभिमानी सत्संग। आपने निवास के लिए भी दिया और भोजन के लिए भी दिया। आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम कैलाश बहन करवा पाई है, नहीं तो कैलाश बहन तो बोले थे कि कैसे होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम, एक थे कोई महापुरुष, चाहते थे हरिद्वार में कार्यक्रम हो लेकिन वो टाल रहे थे, पता नहीं कब हो। वो कैलाश बहन ने कहा कि करना है, यही अंतर है। तो आप सबके सहयोग से, सहकार से कैलाश बहन ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, और आप सब ने मनोयोग पूर्वक इसमें सहयोग दिया है। आप सभी इसके, जिसको पूर्ण लाभ कहते हैं, पूर्ण लाभ के अधिकारी हैं आप। और आज देखो सोमवती अमावस्या का हरिद्वार में गंगा जी में स्नान का लाभ भी आप लोगों ने लिया, इस अवसर भी आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। अब हम प्रसंग की ओर चलते हैं। कल श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान का सुंदर लग्न, सुंदर विवाह लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। आप सब उसके साक्षी रहे। रुक्मी जो शब्द है, रुक्म, इसका अर्थ होता है सोना, अर्थात जो स्वर्णमय कांति को समेटी हुई भगवती लक्ष्मी स्वरूपा थी,
जो सोने की आभा जिसकी, सोने जैसी चमकने वाली, सोने जैसा रूप है तेरा, तो वो रुक्मिणी बाई। देखो लक्ष्मी तो भगवान के पास जाके ही रहती है, रुक सकती कभी? कितना भी कोई प्रयास करे लक्ष्मी को कोई रोक नहीं सकता। इसकी खास बात यही है, वो तो जाती है। और जो जाने ही वाली है, प्रेम पूर्वक विदा कर दो तो और भी अच्छा रहेगा ना। देखो एक राजा मंदिर में रोज दर्शन करने के लिए जाते थे, तो वो एक दिन दर्शन करने के लिए गए तो लेट हो गए। तब तक ठाकुर जी का पट बंद हो गया, भोग लगने के बाद मंदिर का पट बंद हो गया, ठाकुर जी भगवान विश्राम में चले गए। पुजारी ने कहा कि भगवान तो विश्राम में चले गए, क्षमा करना। तो राजा साहब ने कहा कोई बात नहीं, हमको बस एक प्रसाद फूल जो भी आपके पास हो वही दे देना, भोग का, भोग का प्रसाद लेके राजा लौट कर चले गए। पीछे से एक सेठ जी आए, सेठ जी कुछ मुद्रा, कुछ धन, कुछ लक्ष्मी साथ में लेकर के भगवान को चढ़ाने के लिए आए। तो देखा तो पर्दा बंद हो गया, पट बंद हो गया, लेकिन पुजारी जी ने देखा कि सेठ जी के हाथ में कुछ लक्ष्मी है। तो पुजारी ने सोचा कि क्या करूं, पुजारी ने पट खोल दिया, पट खोल करके सेठ को दर्शन करा दिया। सेठ जी ने दर्शन किया, दक्षिणा चढ़ा दिया और प्रसाद लेकर चले गए। लेकिन ये घटना किसी ने देख लिया कि अभी अभी राजा आए, तो दर्शन कराया है पैसे के लोभ में। जाकर उसने राजा से शिकायत कर दी, ऐसी ऐसी बात है। राजा ने उसको बुलवाया, पुजारी को, क्यों महाराज आप पक्षपात करते हो, हम दर्शन करने के लिए आए तो अब तो आपने पट नहीं खोला, दर्शन नहीं कराया, और जब एक कोई सेठ पैसा लेकर आता है तो उसको दर्शन कराते आप। पुजारी ने हाथ जोड़े ने कहा कि बाबजी, महाराज अन्नदाता, क्षमा करना, मेरी क्या औकात है कि हम आपके साथ पक्षपात करें, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर ऐसा क्यों किया? बोले कि महाराज बात ये थी कि सच्ची बात तो थी कि भगवान विश्राम कर रहे थे भोजन के बाद, इसलिए आपको वापस करना पड़ा। लेकिन जब सेठ जी आए दर्शन करने के लिए, हमने देखा कि उसके हाथ में कुछ लक्ष्मी थी, हमने सोचा कि भगवान श्रीमन नारायण अकेले विश्राम कर रहे हैं, साथ में लक्ष्मी जी चली जाए तो विश्राम में का आनंद और बढ़ जाएगा, इसीलिए हमने सेठ को दर्शन करा दिया। यही भावना थी और कोई भावना नहीं। तो कहने का मतलब है लक्ष्मी नारायण के साथ सुशोभित होती है, अकेले नहीं। जो व्यक्ति नारायण को छोड़कर अकेले सिर्फ लक्ष्मी जी की तरफ ध्यान देता है, जो लक्ष्मी 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 जपता रहता है, उस व्यक्ति की हालत समझते हो कैसी होती है। अच्छा लक्ष्मी जी जब नारायण के साथ पधारती है ना, कहीं जाती है तो गड़ूर पर बैठ कर जाती है, लेकिन जब लक्ष्मी जी अकेले जाती तो उसका एक प्राइवेट वाहन है छोटा सा, उसका नाम क्या है मालूम है? लक्ष्मी जी का प्राइवेट वाहन क्या है, कौन सा है प्राइवेट कार? उल्लू। हाँ आउल, इंग्लिश में आलू आउल कहवाए, उल्लू, यानी उल्लू पर बैठ कर आती है। जो व्यक्ति, और उल्लू का दर्शन कितना अशुभ होता है आप जानते होंगे, तो जो व्यक्ति नारायण को छोड़ करके सिर्फ लक्ष्मी की तरफ ध्यान देता है वो व्यक्ति उल्लू के सदृश बन जाता है। उसको दिन में दिखता नहीं है, रात में ही काम करते हैं वो,
दिन भर सोएंगे, रात भर काम करेंगे, यही सब उसके लक्षण है। बाकी लक्षण तो आप पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, सब घटा लेना। कहने का मतलब है, लक्ष्मी तो आएगी, जाएगी कहाँ? यदि लक्ष्मीपति नारायण अपने घर पधारे तो लक्ष्मी जी आएगी कि नहीं आएगी? नारायण आएंगे तो लक्ष्मी तो आएगी। एक बात और है कि जब कोई अपने घर में आते हैं तो वो जाने का रास्ता पहले ही देख लेते हैं कि निकलने का रास्ता है कि नहीं है। यदि निकलने का रास्ता नहीं हो, बंद हो, तो वो व्यक्ति अंदर आएगा, आएगा तो छटपट करेगा। उसी तरह से जो व्यक्ति सिर्फ लक्ष्मी को आने देता है, जाने नहीं देता, उस व्यक्ति के घर लक्ष्मी आती नहीं है। पहले जाने का रास्ता भी क्लियर हो, आती रहे, जाती रहे, जाती रहे, तो वो लक्ष्मी शुद्ध रहती है। बंद घर में लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती, आती रहे, जाती रहे। तो तीन प्रकार की गति है धन की, दान, भोग और नाश। लेकिन यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो व्यक्ति देता नहीं है और न स्वयं खाता है तो उसकी कौन सी गति होती है? उसकी तीसरी गति होती है। एक आदमी था, वो कभी किसी को दान नहीं करता, किसी को लेता देता नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं कराता। तो लोगों ने कहा कि भाई पूजा पाठ नहीं करते, क्यों नहीं करते? बोले कि कोई भी पूजा कराओ तो उसमें पैसा ही खर्च होता है, मैं पैसा को खर्चना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, कोई चंदा मांगने आए तो बोले चंदा, चंदा मामा तो ऊपर है आकाश में, यहाँ कहाँ चंदा मामा? चंदा मांगने आए तो चंदा मामा दिखा दे वो सीधा। लोगों ने नाराज होकर उसका नाम दानचंद रख दिया। दान करता नहीं था कभी, इसलिए नाम रखा दानचंद। नाम कुछ और रहा होगा लेकिन दानचंद के नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। अब एक दिन सोमवती अमावस्या का समय आया, आज पण सोमवती अमावस्या छे, सोमवती अमावस्या का समय आया। पत्नी बोली, सुनो जी, आज सोमवती अमावस्या है, जल्दी से उठो और गंगा स्नान करके आ जाओ, इसमें तो तुम्हारा कोई पैसा खर्च नहीं होगा ना। बोले ना, हाँ तो ठीक है, आप जाओ, सोमवती अमावस्या है, स्नान करके आ जाओ। वो गया, पैदल ही गया ताकि पैसा भी ना लगे बेचारे को। गया, देखा तो घाट पर पंडा ही पंडा। पंडा समझते हो ना आप, घाट पर जाएंगे, यहाँ तो कुछ कम भी होगा लेकिन काशी में तो कहना ही क्या है, काशी और गया के पंडे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो हर घाट घाट पे पंडा, घाट घाट पे पंडा। वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ, दानचंद जाऊं तो जाऊं किधर, जिधर जाए, यजमान जी यहाँ आइए, यहाँ सामान रखिए अपना, यहाँ आचमन करे, यहाँ स्नान करिए, यहीं पर तिलक करेंगे और संकल्प कराएंगे, आपकी जो इच्छा होगी दान दक्षिणा यहीं पर करना। वो बोले नहीं, मैं तो केवल देखने के लिए आया हूँ, स्नान नहीं करूँगा। घूमता रहा घूमता रहा, सब घाट पर घूमा, घूमते घूमते लास्ट में देखा कि श्मशान घाट था एक। उसने सोचा कि यहाँ तो कोई नहीं होगा, देखा तो सचमुच में वहाँ कोई पंडा नहीं था। उसने सोचा कि ये अच्छी जगह है, यहाँ कोई पंडा नहीं है, बेहतर होगा कि बस यहीं पर स्नान कर ले, कोई देखेगा भी नहीं, या मुर्दा है तो मुर्दा थोड़ी पैसा मांगता है,
लेकिन उसको पता नहीं शमशान में हमारे शिव जी रहते, महादेव जी रहते। महादेव ने देखा कि आज बड़ा अच्छा चेला आया है, मैं भी आज इससे कुछ निकलवा के रहूंगा। महादेव वो जैसे कपड़ा खोल करके रख करके भीतर पानी में प्रवेश किया, कमर भर पानी में जाकर एक डुबकी लगाई और जो ऊपर आया तो आवाज, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। देखा तो यहां फिर पंडा, ये तो महादेव शंकर जी स्वयं पंडा बन के आ गए। उनका हे भगवान, पंडे से डर डर के तो यहां तक आए, फिर यहां भी पंडा, अब कहां जाऊं? यजमान करिए स्नान करिए। उसने कहा कि तुम यहां भी आ जाते हो, अरे एक घाट भी नहीं छोड़े, कम से कम शमशान घाट तो छोड़ दिया करो, मुर्दे घाट पे भी पंडा बन के आ गए। उसने कहा कि यजमान हम कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, संतोषी पंडा है। बोले पंडा और संतोषी? हाँ यजमान, हम तो उधर जाते नहीं, इधर ही रहते हैं, और आपके जैसे कोई कोई यजमान एकाद आ जाते तो साल दो साल की खर्ची, साल दो साल के का खुराक देकर चले जाते हैं। बोले साल दो साल? बोले हाँ हाँ, कोई कोई खास यजमान आते हैं, साल दो साल का पूरा खर्चा देकर के चले जाते हैं, दीक्षा में उसी से गुजारा हो जाता है। उसने कहा मैं तो एक दिन का भी नहीं दे पाऊंगा महाराज, क्षमा करो मुझे, मुझे नहीं कराना कुछ भी। बोले नहीं 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 नहीं, अब तो आपको करना ही है, और आज सोमवती अमावस्या है, जल में स्नान किया तो पितरों के नाम का संकल्प तो लो, हाथ में जल लो। उसने कहा देखिए महाराज मेरे पास कुछ है नहीं। बोले उधार भी चलेगा? हमें लगता है आज के यदि होते तो कहते कि कोई बात नहीं, एटीएम या पेटीएम हो तो उससे भी काम कर लेंगे अपन, आजकल तो पेटीएम चलने लगा है, तो ठीक है ज्यादा नहीं, एक रुपया, एक रुपया। शिव जी ने सोचा कि बावरा है, कम से कम एक रुपया तो आज निकल जाए, इसके जीवन में कभी दिया नहीं, एक रुपया ही सही। ठीक है यजमान, एक रुपये का संकल्प, एक रुपये का संकल्प करा दिया। बेचारा का चेहरा उतर गया, सहमा सहमा घर आया, लेकिन ये क्या, जैसे घर में प्रवेश किया, पत्नी ने भोजन की थाली दी, उसने भोजन किया होगा, करके ज्यों ही बिस्तर पर पैर रखा, दरवाजा पे खट 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 शुरू। पत्नी गई, दरवाजा खोला, देखा बाहर पंडा। क्या बात है? बोले यजमान की जय हो, यजमान ने संकल्प लिया है, वो दक्षिणा, आज दक्षिणा लेने हम आए। तो मैं बता रहा था, सेठानी गई द्वार खोलने के लिए, बोले दक्षिणा हमारी, दौड़ कर आई सेठ जी के पास। बोले क्या है? बोले बाहर कोई पंडा आए हुए, वो दक्षिणा मांग रहे हैं। उसने सोचा हे भगवान, अभी अभी तो आए और तुरंत पीछे पड़ गए, इतना भी नहीं रोका। उसने सोचा कि कोई बहाना बना लेता हूँ। उसने कहा कि कह दो कि बीमार पड़ गए और दो चार दिन के बाद आना। सेठानी गई, बोले महाराज क्षमा करना, अभी अभी आए और बीमार पड़ गए, अब दो चार दिन के बाद आना।